अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई अंकल आंटी, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। अपने तमाम देखने वाले भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे वीडियो शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हम भी आप लोगों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये मेरा बेटा है छोटा आकिफ है और ये मेरी बेटी है, तो पूछते हैं ये कौन है, तो ये मेरी बेटी है। और सब खैरियत है, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अच्छे कर रहे हैं। जब तक मेरे अंदर दम है मैं आप लोगों का ऐसी सपोर्ट करता रहूँगा और आगे लेके चलता रहूँगा। तो हमारे यहाँ ये जो है ना वैसे ही पानी गंदा आ रहा है, इसमें बदबू भी आ रही है, लेकिन हमारे इस तरह के हालात है नहीं कि हम न्यू बोरिंग करवा सकें। ये 40 से 45 हज़ार रुपया खर्चा बता रहे हैं, पानी वैसे ही गंदा है और नमाज का वजू भी नहीं कर सकते, इतनी बदबू है। बस कपड़े धोते हैं और बर्तन धोते हैं, हम ये बर्तन धोने और कपड़े धोने के लिए मजबूर हैं। चलो पीने का तो हम लोग पानी ले आते हैं। तो ये इमरान खान तक भी हमारी ये जो है ना, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, ये आवाज़ हमारे लिए पहुंचाएं, ताकि मैं बीमार आदमी हूं तो मेरे अंदर भाग दौड़ नहीं है। ये पूरी गली के अंदर मसला हो रहा है, खाली मेरे यहाँ नहीं पानी खराब आ रहा, ये पूरी गली के अंदर जो है ना पानी खराब आ रहा है सबके यहाँ। गटर लाइन पता नहीं बोरंग के अंदर मिक्स हो गई है। तो आप लोग हमारी वीडियो जो है ना, जो एक दूसरे को सीखने को मिलता है, जो हम बताते हैं वो हमारी बातें सुना करें, उससे जो है ना एक दूसरे को सीखने से मिलता है। तो पानी वैसे ही गंदा है, मतलब कि अभी इसमें बदबू भी है, नमाज का वजू भी नहीं कर सकते भाई, सारे पैसे मेरे खा जाते हो। चाहिए चाहिए आ जाओ, जो ले लो, मैं जेब में रख रहा हूँ। आ जाओ ये वाहिद का 100% कॉपर का पंखा है। ये हमारे अली रॉक स्टार भाई खड़े हुए हैं और ये भाई ये जो परचेज करने आए हुए हैं। क्या रेट बोले भाई? 6000 रुपये देगा। आप यूट्यूबर हैं, 6000 रुपये में दिया आपको, आप वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे हमारी होगी तो हम आपको 6000 रुपये। रेट ऐसे हैं, आप पूरी जगह मार्केट में टच कर लिया पहले मास्क के। तुमने पीना, मैंने नहीं पीना। अरे गट्टी
पंखा लाए हैं माशाल्लाह। हमारा पंखा जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो ये कोई बाहर से भाई ने पंखे की मेरी कंडीशन देख के उसने जो है ना वहाँ से पैसे वगैरह भेजे थे। नीचे से इसका जो है ना ये जो है ना पेंदा भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ भी देखें ये चीज़ हम लोगों ने डाल के ये बांध के ये चला रहे हैं। ये देखें ये गर्दन ये टूटी हुई है, ये कपड़े बांध के जो है ना इसको हम लोग डेली जो है ना चलाते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें ऐसे गिर जाता है, इसको ऐसी तरह चलाते हैं हम लोग बांध बांध के ये कपड़े बांधे हुए पीछे ये। तो बाहर जर्मनी से वो इमदाद आई थी तो उन्होंने कहा था कि जी आप जो है ना जाके पंखा वगैरह ले लें या बच्चों की भी समझे, तो हमने ये समझा कि हम लोग पंखा ही ले लें क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी भी किसी वक्त ये ज़मीन पे गिर जाएगा धार से जो नुकसान होगा बहुत बड़ा, तो इसीलिए हम लोगों ने जाके वो पंखा लिया है। तो शुक्रिया मेहरबानी इकबाल साहब, आपने हमारी तकलीफ़ समझ के आपने अपने दिल में एहसास किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपको अल्लाह ताला सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, बहुत दिल दिल से शुक्रिया। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं ना ये पंखे के आने से। बेटा कैसी खुशी हो रही है? हाँ बहुत खुशी हो रही है, जोर से बोलो, तुम्हें खुशी हो रही है नए पंखे पे? हाँ। जी जी। तो माशाल्लाह नए पंखे पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, खुशी खुशी लेने गए थे, रिक्शे में लेके आए इसको डाल के। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करें, हमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, हम भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे घर के इस तरह के हालात है ही नहीं, वैसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो मेरी बच्ची कड़ी हो जाती है, कड़ी हो जाती है, तो बस अल्लाह। तो कल मिलूंगी अपने भाई बहनों को न्यू नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक चाहूँगी अपने भाई बहनों से इजाज़त, दुआ में रखना, याद अपना रखना, तेरा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।